तो इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल का 17वां मैच खेला जाएगा, उसकी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहने वाली है। तो ड्रीम इलेवन टीम देखने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे स्टेट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे नॉलेज देने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आसानी से जीएल में अच्छी रैंक पा सकते हो, प्लस एस मॉल लीग जो है विन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा पूरा एंड तक। यहाँ पे मैं आपको टॉप बैट्समैन बताने वाला हूँ, टॉप बॉलर्स बताने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे पिच रिपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएंगे जो आपके लिए जीएल और प्लस एसएल दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख लें चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में यहाँ पे 17वां मैच खेला जाएगा। मैच स्टार्ट टाइम है 7:30 बजे यहाँ पे शाम को होगा। वेन्यू है एमएच चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में मैच होगा, चेन्नई के होम ग्राउंड पर मैच होने वाला है। अब यहाँ पे आईपीएल के मैच देख लेते हैं, तो टोटल मैच यहाँ पे 68 हुए हैं, और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग जो टीम है यहाँ पे 42 बार विन की है, और सेकेंड इनिंग की जो टीम है यहाँ पे 26 बार विन की है। स्ट्राइक रेट यहाँ पे 132 के आसपास रहता है, और यहाँ पे 100 से लेकर 150 के बीच में यहाँ पे 56 बार रन बने हैं, 150 से लेकर 200 के बीच में यहाँ पे 59 बार रन बने हैं, और 200 से लेकर 250 के बीच में यहाँ पे 17 बार रन बने हैं। तो विकेट की बात करें तो यहाँ से 3-4 विकेट यहाँ पे टोटल 32 बार गिरे हैं, और 5-7 विकेट यहाँ पे 55 बार गिरे हैं, 8-9 विकेट यहाँ पे 32 बार गिरे हैं, और 10 विकेट यहाँ पे 9 बार गिरे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट मैचेस जो हुआ था, एक मैच आईपीएल का खेले गए तो उसका स्कोर कार्ड यहाँ पे देख लें। सीएसके ने 217 रन 7 विकेट बनाए थे, वहीं लखनऊ सुपर जायंट ने यहाँ पे 205 रन 7 विकेट बनाए थे। उसके बाद बात करें यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, तो पिच है यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली, पेस फ्रेंडली, और 170 प्लस माइनस यहाँ पर रन बन सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो फ्री का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है और @fantasycap सर्च करना है। @fantasycap सर्च करेंगे तो एक यूजर नेम दिखेगा आपको ब्लू कलर का, @fantasycap वही सेम रहना चाहिए, और 280 के ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी किसी फेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा मिल जाएंगे, बट वह रियल चैनल नहीं है, रियल चैनल यही है जहाँ पे आपको कम सब्सक्राइबर मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको यूजर नेम जो रहेगा यहाँ पे सेम रहना चाहिए, यही आपका रियल चैनल है, इसी से जुड़े। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, जाकर फटाक से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे लास्ट मैच रियल की दोनों टीमों के। सीएसके ने यहाँ पे 3 मैच खेले हैं, तीनों में से 2 विन किया है 1 लॉस किया है। आरआर ने भी 3 मैच खेले हैं, 2 विन किए हैं 1 लॉस किया है। उसके बाद हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में यहाँ पे सीएसके ने 15 मैच विन किए हैं, आरआर ने यहाँ पे 11 मैच विन किए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 की, प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग के यहाँ पे प्लेइंग 11 देख लें, डी कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, अजिंक्य रहाणे अभी खेल रहे हैं तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आएंगे, शिवम दुबे हैं 4th नंबर पे, ए रायडू, जडेजा, एमएस धोनी, पिटोरियस, चहर, सैंडर, मागला, देश पांडे, ये टोटल 12 प्लेयर हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे भी टोटल 12 प्लेयर हैं जो खेलेंगे। यहाँ पे वाई जायसवाल, बटलर यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, संजू सैमसन है जो यहाँ पे 3rd नंबर पे आएंगे। उसके बाद रैन प्रयाग हैं यहाँ पे, हेडमेयर हैं, जुरेल, अश्विन, होल्डर, बोल्ट, शर्मा, चहल, अश्विन, ये टोटल 12 प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 है राजस्थान रॉयल्स की। उसके बाद बात करें यहाँ पे टॉप बैट्समैन की, टॉप बैट्समैन देख लेते हैं कौन से प्लेयर यहाँ पे टॉप बैट्समैन है दोनों टीमों के, तो ऋतुराज गायकवाड़, डी कॉनवे, एम अली, ए रहाणे, उसके बाद जय बटलर, एस सैमसन, वाई जायसवाल, ये दोनों ही टीमों के टॉप बैट्समैन हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टॉप बॉलर्स की, टॉप बॉलर्स यहाँ पे देख लें, डी चहर हैं, एम तीक्ष्णा है, हंगार गेकर हैं यहाँ पे, एम सैंडर हैं, देश पांडे, टी बोल्ट, वाई चहल, ये दोनों ही टीमों के टॉप बॉलर्स हैं जो लाइनअप में खेलते हैं तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कौन से प्लेयर यहाँ पे परफॉर्मिंग करने वाले हैं, तो परफॉर्मेंस प्लेयर यहाँ पे देख लें, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्लेयर परफॉर्मेंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर आप इनको मिस करते हैं तो आप जीएल या फिर स्मॉल लीग जीतने में चूक जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको समझ आने वाला नहीं है, वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे प्लेयर परफॉर्मेंस में देख ले, प्लेयर परफॉर्मेंस में यहाँ पे डी चहर हैं, डी कॉनवे, एम सन्नर, आर गायकवाड़, एस दुबे, जय बटलर, एस सैमसन, वाई जायसवाल, टी बोल्ट, वाई चहल,
ये जो प्लेयर हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये टोटल 10 प्लेयर हैं आपकी टीम में होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आप मिस कर सकते हैं जीएल में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर प्लेयर डीटी में आपको मिल जाएंगे, ड्रीम इलेवन टीम में ज़्यादातर प्लेयर मिलेंगे। तो आपको ये पार्ट आपको देखना चाहिए और अपनी टीम में यूज करना चाहिए, क्योंकि यही प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ट्रम्प प्लेयर आपको मिल जाएंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, बट आपके लिए रिस्की रहेंगे और आपके लिए जीएल के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। तो आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पिछली वीडियो हमारी देख ले, टेलीग्राम पर मैंने मैचेस टीम दिए हैं उनमें क्या स्कोर रहा है, क्या हमारा रिजल्ट रहा है, तो आप जाकर टेलीग्राम पर जुड़ के देख सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन देख लें, यहाँ पे गायकवाड़, बटलर, सैमसन, ये तीन टोटल प्लेयर हैं जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को बना सकते हो, तीनों को ही जीएल में आप ट्राई करो, स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं को बनाओ तो आप आसानी से विन करोगे। अगर आप किसी और प्लेयर को बना रहे हो तो वहाँ पर आप लॉस खा सकते हो। इन्हीं प्लेयर को आप रोटेट करके जीएल की बहुत सारी टीम बना के आप आसानी से विन कर सकते हो। इनमें से कुछ प्लेयर अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की। ड्रीम इलेवन टीम क्या रहने वाली है हमारी, तो स्मॉल लीग की ड्रीम इलेवन टीम हम देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में तीनों प्लेयर रहेंगे, बटलर, सैमसन, डी कॉनवे। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में दुबे को मैंने रखा है, ट्रंप रहेंगे हमारे लिए, और यहाँ पर गायकवाड़, जायसवाल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा, सैंडनर, और उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे दीपक चहर, जो आपके लिए ट्रंप रहेंगे, भाई चहल, टी बोल्ट। ये टोटल स्मॉल लीग की हमारी टीम है। और यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने संजू सैमसन, बटलर को बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पे गायकवाड़ को बना सकते हैं और डी कॉनवे को रिस्क ले सकते हैं। यही तीनों जो प्लेयर रहेंगे आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हीं पे आपको फोकस करके चलना है, जीएल की टीम हो या फिर स्मॉल लीग की टीम, इन्हीं तीनों को बनाना है। यही तीन प्लेयर परफॉर्मेंस करने वाले हैं, इनको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आप बाकी प्लेयर को चेंजेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीएल की टीम वन की, बट यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम जो रहेगी हमारी यही फाइनल रहेगी, अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस नहीं होते तो। अगर चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो इसी टीम से आप खेल सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी खुद की टीम क्रिएट कर सकते हैं और फाइनल जो टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। तो जीएल की टीम वन देख लेते हैं। जीएल की टीम वन में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बटलर को रखा है, सैमसन को रखा है, डी कॉनवे को ड्रॉप किया, गायकवाड़, हेटमायर को रखा है, यहाँ पे जायसवाल रहेंगे, डूबे रहेंगे, रहाने रहेंगे। यहाँ पे टोटल पांच बैट्समैन रहेंगे, दो विकेट कीपर रहेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर में यहाँ पे यम अली रहेंगे, मोइन अली, सैंडनर रहेंगे, वाई चहल रहेंगे, टी बोल्ट रहेंगे। ये हमारी स्मॉल लीग की फर्स्ट टीम है। यहाँ पर भी मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखा है, बट यहाँ पर प्लेयर के कुछ चेंजेस किए हैं बैट्समैन में प्लस यहाँ पर ऑलराउंडर में। तो ये हमारी जीएल की टीम वन है। टीम टू में मैंने यहाँ पे बटलर को रखा है, सैमसन को, गायकवाड़, रहाने, दुबे को रखा है। उसके बाद यहाँ पे जडेजा रहेंगे, मोइन अली रहेंगे, सैंडनर रहेंगे, दीपक चहर, टी बोल्ट, वाई चहर। ये मैंने सीएसके के फेवरेट में टीम बनाई है। यहाँ पे सीएसके को लग रहा है मुझे विन करेगी इस मैच को, तो यहाँ पे मैंने सीएसके को फेवर करके यहाँ पे बनाया है और गायकवाड़ को कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन यहाँ पे सैमसन को बनाया है। आप चाहे तो बटलर को बना सकते हैं, रहाने रहेंगे, दुबे रहेंगे, और यहाँ पे तीन ऑलराउंडर रहेंगे। यहाँ स्पिन फ्रेंडली पिच है और यहाँ स्पिनर्स को मैंने रखा है जो कि अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं, तो हो सकता है मोइन अली कल के मैच में खेलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी ट्राई कर सकते हो, मोइन अली को भी बना सकते हो, जडेजा को भी बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नॉलेज मिली हो। अगर अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।